मेरा नाम सईद जाफरी है। पिछले दिनों डॉक्टर निखिल कौशिक मेरे पास आए और उन्होंने एक कहानी मुझे सुनाई। बड़ी अच्छी और सच्ची कहानी थी। कहने लगे कि इसके ऊपर एक फिल्म बनानी है, तो मैंने कहा जरूर बनाओ। इसका टाइटल है भविष्य द फ्यूचर। Indian doctors coming to the UK? Not exclusively, but yes. Overseas doctoron ki jo life hai us pe hai. I think he had briefly mentioned about his intentions of making this film some time ago. Wo jo aam pehlu hai zindagi ke doctoron ke wo capture kare ek film mein. Action. उनके पास जो मैसेज इस फिल्म की होगी वो अच्छा होगा। That it's a Bollywood style film. The whole Bollywood scene is just bowling over. It's glamour, it's music, it's lights, it's just wonderful. मैं एक बार कवि सम्मेलन के लिए मैनचेस्टर गई थी, तो वहाँ पर कवि सम्मेलन हुआ और सबने बहुत सराहा। देखिए कितनी बड़ी बात कि भारत के अच्छे कवि आप किशन सरोज और कुंवर बेचैन के गीत भी इन्होंने लिए, मेरा गीत लिया। तो फिर ये होली वाला गीत कि ऐसी होली खेली सखी इस साल, शायद है मैंने पूरी जान डाल दी है गाने में। जब आप लोग ऐसी होली खेली, ऐसी होली खेली सखी इस साल, कि मैं तो लालो लाल हो गई। ऐसी होली खेली सखी इस साल, कि मैं तो लालो लाल हो गई। जो बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनके साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत गाने बनाए हैं। बदरी बाबुल के अंगना जइयो जइयो ना 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 ना। कुंवर जी ने लिखा है, कुंवर बेचैन साहब ने। बदरी बाबुल के अंगना जइयो जइयो बरसियो कहियो कहियो के हम हैं तोरे बिटिया की अखियां बिटिया की अखियां बिटिया की अखियां। और रीचा शर्मा ने गीत बहुत ही प्यारा गाया। ओ बिजुरी मैया की अंगना जइयो जइयो तड़पियो कहियो कहियो के हम हैं तोरी। इस फिल्म में निखिल जी ने ये दिखाने की कोशिश की है कि हम प्रोफेशनल्स जो अपने वतन से दूर हैं, अपने देश से दूर हैं, हम फिर भी अपने देश के साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेशनल्स हैं लेकिन उनकी निजी जीवन की कहानी को किस तरह से उनका ये मानना है कि he wants to portray this thought in the film, कि हम जो है वो वहाँ जाके किस तरीके से वहाँ अडॉप्ट होते हैं और वहाँ की जो लाइफस्टाइल है वो हमें कैसे अडॉप्ट करती है, हम कैसे उसको अडॉप्ट करते हैं। वहाँ के लोग, वहाँ की कल्चर, वहाँ की जो भाषा है, जो वहाँ की संस्कृति है, वहाँ भी उसका भी एक अलग फ्लेवर है, अलग फील है। उसको हम इंडियंस कैसे पोर्ट्रे करते हैं अपनी रोज़ की ज़िंदगी में, कि हम लोगों का घर की स्टाइल बदल जाती है, हम लोग घर में कैसे रहते हैं उसकी स्टाइल बदल जाती है। यहाँ की जो नई जनरेशन है, बच्चे क्यों भारत की तरफ अट्रैक्टेड हैं, क्यों भारत जाकर वहाँ काम करना चाहते हैं। I love India. Could go there anytime. It's just like a carnival round the clock. और जो बच्चे इंडिया में रहते हैं वो यहाँ आके सेटल होना चाहते हैं। मेरे लिए जरूर ट्राई करना, आईसीयू में, वार्ड में, थिएटर में, कहीं भी, जहाँ भी हो। The basic fact about this film is कि डॉक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व होती है। डॉक्टर्स ही दे आर पार्ट ऑफ द फिल्म, नॉट इन एनी अदर सेंस, की भी स्क्रिप्ट में भी है, खुद कुछ डॉक्टर्स भी एक्टिंग कर रहे हैं इसमें, और द काइंड ऑफ लाइफ दैट द डॉक्टर्स लिव। 5 साल की कड़ी मेहनत MBBS के लिए और 2 साल की MD के बाद ये नौकरी, वो सब बातें को छोड़ के उनके जिंदगी में और क्या मजा आ सकता है। वो मजा हम लोगों ने 2 गाने में लिया है। एक गाना है जो लड़की गाती है, कैसे लगते हो तुम,
अब ये ऐसा है कि जो हीरो और जो दूसरी लड़की है हीरोइन, वो दोनों साथ में जाते हैं और वो लड़का कैसे उसको मनाता है, कैसे उसको फंसाता है कि तू मेरे साथ अब चल, तू अकेली, यू डोंट गो समवेयर एल्स। ये गाने को गाया है इंडिया के बहुत ही अच्छे गायक शान। ना करना इनकार, चलो हम चले कहीं पर, बिना टिकट, टिकट तो है तेरे पास, मगर चल। अच्छा लगा गाना। वैसे हम कई बार जब गाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना पड़ता है कि यार बहुत अच्छा गाना था, लेकिन बार सचमुच दिल से कह रहा हूँ कि बहुत बहुत मज़ा आया। एंड मुझे जो अच्छा लग रहा है कि इसमें ट्यून और लिरिक्स की एक बहुत एक ऊंची स्टैंडर्ड है, जो ज़्यादातर हम कमर्शलाइजेशन या ये सोच करके पता नहीं लोग ये एक्सेप्ट करेंगे नहीं करके। क्लासिक संगीत है। एज ए रेडियो प्रेजेंटर आई वुड से कि ऐसे गीत बहुत कम सुनने को मिलते हैं, बहुत प्यारी प्यारी धुनें हैं और बहुत ही अच्छा सा संगीत है। और मेरा ये सौभाग्य है कि कुंवर बेचैन साहब की और किशन जी की मुझे कविताएं कंपोज करने मिलती हैं, और किशन जी का गाना खुद मैंने गाया है, धर गए मेहंदी रचे दो हाथ जल में दीप, जन्म जन्मों ताल सा हिलता रहा। धर गए मेहंदी रचे दो हाथ जल में दीप, जन्म जन्मों ताल सा हिलता रहा मन। काइंड ऑफ फिल्म, क्योंकि ये सिर्फ इंग्लिश फिल्म नहीं है या तो सिर्फ हिंदी फिल्म नहीं है, इट्स अ प्रॉपर मिक्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, इंडो ब्रिटिश कह सकते हैं उसको। फील है जो पूरा आउटसेट है फिल्म का, जो लुक है वो थोड़ा इंग्लिश होगा, बट अंदर की जो फीलिंग्स है जो वो पोर्ट्रे करना चाहते हैं वो पूरी भारतीय। कहानी इतनी प्यारी है कि इसमें सच्चाई होनी चाहिए। अगर किसी डॉक्टर का रोल है तो किसी डॉक्टर ही को लो, अगर किसी नर्स का रोल है तो किसी नर्स को लो, अगर किसी क्लर्क का रोल है तो क्लर्क को ढूंढो। I suppose as a doctor I have to give presentations every now and then and talk to audiences. I play the part of Richard in the film. He's a friend of Deepak's and he's never quite really made it as well as Deepak has. He's Deepak's had this sort of meteorical rise in his career, but this guy sort of struggled along a bit. I just play the part of Dr. Deepak Trehan, and he was at university at Manchester. And so he's basically lived in England all his life. Basically, I mean, this is my first feature film. I am the hero's father, and I'm playing host to the party. I'm just a guest in the party. Anita, a lady called Anita, who is a very good friend of Malte. And that's how she's dancing, she's enjoying the wedding, and she's coming, she's like a family friend. My first major thing, so I'm very excited. And she's the main role, and basically she's a doctor, graduate from India, coming to do her fellowship. So you should see this film. Its title is Bhavishya The Future.